गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद प्रिया। टुडे वी कंटिन्यू अवर लेक्चर ऑफ क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स। हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, सबसेट्स आता है, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। अब हमें पता है रियल नंबर कौन से होते हैं। रियल नंबर हमारे पास वो होते हैं जो कि नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, होल नंबर सबको अपने अंदर कंटेन करते हैं। ठीक है, हमें पता है ये कौन कौन से होते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने लिखा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, इंटीजर का, क्योंकि 1, 2, 3 वैल्यू सारी किसके अंदर आती है, इंटीजर्स के अंदर। ओके, इंटीजर्स किसके अंदर आते हैं, रैशनल नंबर के अंदर। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर दोनों होता है। जैसे कि ये 2/3 की फॉर्म में लिखा है हमने, और ये दोनों किसके अंदर होते हैं हमारे पास, इंटीजर्स के अंदर। ठीक है, इसलिए ये इसका सबसेट हो गया। हमने ये बताया जो रेशनल नंबर होते हैं ये रियल नंबर के अंदर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं ये भी रियल नंबर के अंदर होते हैं। अब हमने ये लिखा है कि नेचुरल नंबर नॉट सबसेट ऑफ इरेशनल। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होती है, फुल वैल्यू होती है, जैसे 1, 2, 3 हो गया। लेकिन इरेशनल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, स्क्वायर रूट की फॉर्म के, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख दिया मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख दिया। ठीक है, इनकी वैल्यू आएगी डेसिमल में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, फुल नंबर होते हैं, तो इसलिए ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास आता है इंटरवल्स। इंटरवल एज सबसेट्स ऑफ आर। ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर एक एग्जांपल दिया था, यहाँ पे इंटीजर जो है वो सबसेट ऑफ क्यू कैसे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है इंटरवल एज सबसेट्स ऑफ आर। अब हमने आर लिया तो इसमें से दो नंबर ले लिया हमने, ए बी। ठीक है, अब हमने कहा ए लेस देन बी, देन द सेट ऑफ रियल नंबर एक्स जेड ए लेस देन एक्स लेस देन बी इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाय ए बी। जहाँ पे भी हमारे पास ये सिंबल आ जाएगा ना, जैसे हमने क्या लिया, 2 और 3 दो वैल्यूज ले ली आर में से, दो वैल्यूज हमने, दो रियल नंबर ले लिए। 2 जो है वो 3 से छोटा है। अगर मैं यहाँ ले लेती हूँ ए बी की जगह, मैंने 2, 3 ले लिया, 2 मेरे पास 3 से छोटा है। ठीक है, अब मैंने एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है एक्स जेड ए, यानी कि 2 लेस देन एक्स लेस देन 3। मुझे वो वाली वैल्यू लेनी है एक्स की जो 2 से तो बड़ी हो और 3 से छोटी हो। ठीक है, तो यहाँ से हमने कहते हैं इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाय ए बी। जब हम ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल ब्रैकेट आती हैं, और यहाँ पे जब हम इंटरवल बनाएंगे, ये वैल्यू तो मेरी जैसे कि 2 आ गई, ये वैल्यू मेरी आ गई 3, तो मैं यहाँ पे ना तो 2 लूँगी ना मैं 3 लूँगी, लेकिन इनके बीच की वैल्यूज़ को ले लूँगी। ठीक है, वो सारी वैल्यूज़ किसके अंदर आएंगी, इस इंटरवल के अंदर। वो किसके अंदर जाएंगी, फिर आर के अंदर। ठीक है, वो सारी वैल्यूज़ मुझे एक्स की मिलेंगी। इसी तरह से मैंने कहा था इंटरवल विच कंटेन्स एंड पॉइंट, इसमें क्या है, वो एंड पॉइंट को कंटेन नहीं करता, 2, 3 को उसने कंटेन नहीं करा। अब मैं कह रही हूँ कि वो एंड पॉइंट को कंटेन करता है, अगर वो एंड पॉइंट को ले रहा है तो वो इंटरवल क्या हो जाएगा, हमारे पास क्लोज्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्लोज्ड ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब क्लोज्ड ब्रैकेट की बात आती है, जब वो इंटरवल यानी कि उस वैल्यू को ले रहा है, यानी कि मतलब कहने का क्या है कि मुझे एक्स की वैल्यू, मुझे वो 2 मिल रही है, जब इक्वल टू 2 हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, यानी कि एक्स की वैल्यू 2 भी है, एक्स की वैल्यू 3 भी है, इसलिए हमारा नीचे जो है वो इक्वल का साइन लगाया है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, ए बी यानी कि 2, 3 ले लिया, ए बी 2, 3 आ गया यहाँ पे, तो ये 2 को भी लेगा, 3 को भी लेगा, और इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज आते हैं सबको अपने अंदर कंटेन करेगा। ठीक है, फिर आती है बस सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल। जब मैं कहती हूँ कि ए से क्लोज्ड है तो ए लेस देन इक्वल टू एक्स आ जाएगा, जहाँ से क्लोज्ड है वहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा, जहाँ से ओपन है वहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगेगा, तो उस वैल्यू को हम कंटेन भी नहीं करेंगे। तो हमने ये इंटरवल लिया, यहाँ पे ए से क्लोज्ड कहा था तो ए वाली हमने डार्क कर दी लाइन, जो ए का है ये हमने डार्क कर दिया, और बी हमारा ओपन था इसको हमने ओपन छोड़ दिया। यानी कि अब ये क्या करेगा, ये 2 को तो लेगा लेकिन 3 को नहीं लेगा। ठीक है, यानी कि जैसे 2 को लेगा, फिर 2.1 को भी लेगा, 2.2 को भी लेगा, लेकिन 3 को नहीं लेगा। इसी तरह से फिर हमने ए से ओपन और बी से क्लोज्ड किया, तो इसमें अब ये ए को नहीं लेगा, बी को ले लेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर हमने एक रिमार्क दिया है, द नंबर बी माइनस ए इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल। अब हमारे पास ये 4 इंटरवल थे, अगर हमें इनकी लेंथ निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, बी माइनस ए। ओके, अब आपको एक थ्योरम दी गई है, प्रूव दैट देर आर 2^n एलिमेंट्स इन द क्लास ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ एन एलिमेंट्स। हमने ये प्रूव करना है कि अगर हम कोई भी एक सेट लेते हैं तो उसकी अगर हम पावर सेट बनाते हैं तो उसके पास कितने एलिमेंट होते हैं, जितने एलिमेंट उसके अंदर है ना तो वो 2 की पावर में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे अब इसके अंदर 1 है तो पावर सेट में क्या आ जाएगा, 2^1 यानी कि 2 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमने एक सिंगलटन सेट ए कंसिडर कर लिया, इसके अंदर हमने एक सिंगल एलिमेंट ए ले लिया,
पॉसिबल सबसेट्स हमें पता है फाइव और ए बनेंगे, क्योंकि फाइव क्या होता है, सबसेट्स होता है ऑफ एवरी सेट का। तो पावर सेट क्या हो गया, फाइव और ए आ गया इफ़ ए हैज़ एन एलिमेंट। तो यहाँ से हमने ये दिखाया कि अगर ए के पास एक एलिमेंट था तो पावर सेट ऑफ ए के पास कितने एलिमेंट आ गए, दो। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1, ठीक है। इसी तरह से अब हमने दो ले लिया एलिमेंट ए बी, तो सबसेट्स बना लिए फाइव ए बी ए बी। तो पॉसिबल सबसेट्स क्या बन गए, 1 2 3 4, ये हमने डाल दिए, तो 4 एलिमेंट्स बने। इसको हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 रेज टू पावर 2। ओके, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट आ गया, अब हमने 3 एलिमेंट्स लेके देखेंगे ए बी सी। तो इसके हमने पॉसिबल सबसेट्स बना दिए फाइव ए बी सी ए बी बी सी ए सी ए बी सी। अब हमने पावर सेट की फॉर्म में लिख दिया, तो ये सारे सेट के अंदर आ गए। टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, ये 8, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि ए के पास हमारे पास कितने एलिमेंट थे, 3। पावर सेट के पास कितने एलिमेंट आए, 8। इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो अब हमने ये चीज़ देखी कि अगर ए के पास 1 था तो पावर में 2 की पावर 1 आ गया, ए के पास 2 एलिमेंट्स थे, पावर सेट में 2 रेज टू पावर 2 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है ना। जैसे हमने अभी पीछे किया था, यहाँ पे किया था, अगर हमने यहाँ पे 1 लिया है तो 2 की पावर हमारे पास क्या आया था, 1। अगर हमने ये लिया तो 2 की पावर 2। अब हमने ये लिया, 3 एलिमेंट्स लिए तो 2 की पावर 3। इसी तरह से अगर हम n एलिमेंट्स लेंगे तो पी ए के पास कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 2 की पावर n। ओके, अब हमारे पास आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जैसे अब आपको कह दें कि ये पूरी दुनिया, ठीक है, इस पूरी दुनिया में कंट्रीज़ हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं, तो वो किसके अंदर आ रही है, पूरी दुनिया के अंदर ही आ रही है ना। जैसे मैंने इंडिया ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, अमेरिका ले लिया, अब मैं ये कहूँ पूरी दुनिया के अंदर तो और कंट्रीज़ भी तो आ रही हैं, लेकिन ये वाली कंट्री भी किसके अंदर आ रही हैं, दुनिया के अंदर ही। तो इसी तरह से हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है, जैसे ए हमने ले लिया, बी ले लिया, सी डी, हमने 4 सेट ले लिए, यू हमने एक अनदर सेट लिया है। अब ये जो चारों के चारों सेट है ना, ए बी सी डी, इन सब की जो वैल्यूज़ है वो सारी किसके अंदर आ रही है, यू के अंदर। तो इसलिए यू क्या हो गया, यूनिवर्सल, यानी कि इन सब का एक बड़ा जिसके अंदर ये सारे के सारे कंटेन है। जैसे कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक हाउस का एग्जांपल दिया था मैंने आपको वीडियो में। जैसे हाउस है, एक हाउस के अंदर आपके पास 4 कमरे हैं, ठीक है, तो वो 4 कमरे किसके अंदर आ रहे हैं, उस पूरे के पूरे हाउस के अंदर। तो वो पूरा हाउस आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल, ठीक है, वो एक यूनिवर्सल सेट बन गया। और हर एक कमरा आपके पास एक सिंगल सिंगल सेट है, तो वो सारे सेट किसके अंदर आ रहे हैं, आपके यूनिवर्सल सेट में, ठीक है। तो हेयर द सेट्स ए बी सी डी आर सबसेट्स ऑफ द सेट यू, हैंस यू यूनिवर्सल सेट। कंपेरेबल सेट्स क्या होता है, 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ वन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ द अदर, दैट इज इधर ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि कोई भी 2 सेट हैं उनको हम कंपेरेबल कब कहेंगे, अगर एक दूसरे का सबसेट होगा, या तो ए बी का होगा या फिर बी ए का होगा। ओके, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द इंटरवल। ये हमें दिया हुआ है किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। एक्स जेड एक्स बिलोंग करता है आर को, -5 <x>(x<5>। अब हमें ये पता है यहाँ पे सिर्फ लेस देन का सिंबल है, अगर लेस देन का सिंबल है, इक्वलिटी साइन नहीं है। तो मैंने आपको भी पीछे बताया कि अगर इक्वलिटी ना हो तो क्या आता है, ओपन इंटरवल, ठीक है। नेक्स्ट हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया, यहाँ पे हमें इक्वलिटी दी है दोनों तरफ से, तो यहाँ से क्या आ गया, क्लोज इंटरवल। अगर इसी तरह से मैं एक लिख देती हूँ, एक्स जेड एक्स बिलोंग करता है आर में, मैं लिख देती हूँ 2 < x < 4, तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 से क्लोज, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी लगी है, और 4 से ओपन, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपको दे दूँ एक्स जेड एक्स बिलोंग करता है आर में, यहाँ से मैं दे दूँ 3 < x > 5, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से 3 से ओपन और 5 से क्लोज। अच्छा, अगर आपको अब ये दे दें कि आपको एक इंटरवल दे दिया 2 और 7, ठीक है, ये दे दिया, और आपको कहा इसको चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म आपकी क्या बनेगी, यहाँ से एक्स जेड एक्स बिलोंग करता है आर में, अब मेरा 2 से क्या है, ओपन, तो मैं क्या लिखूँगी, 2 < x, 7 से क्या है, क्लोज, तो मैं लिख दूँगी < = 7। इसका मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू 7 होगी, 7 से छोटे जितने नंबर हैं वो भी होंगे, लेकिन एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, 2 के इक्वल नहीं होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, थैंक यू।